इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारी ऐप में जो ये टॉप में जो ये बार आ रही होती है इसको हाइड कर सकते हैं, और बॉटम में जो ये नेविगेशन बार आ रही है इसको हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अगर आप फॉर सम रीज़न चाह रहे हैं कि आपके पास ये ना आए बना हुआ, तो आप इन चीज़ों को भी हाइड कर सकते हैं अपनी ऐप से। तो वो बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आप अपनी ऐप में इस अभी के लिए हम एक से बटन यूज़ कर लेते हैं अपनी ऐप में, इसको सेव करके रिफ़्रेश करके देख लेते हैं मेक श्योर करने के लिए कि। तो अभी हमारे पास टॉप बार भी आ रही है और ये नेविगेशन बार भी आ रही है। तो इसको अगर हम हाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ से नेविगेशन के सेक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हेडर बार भी इनेबल हुई हुई है और नेविगेशन मेन्यू भी इनेबल हुआ हुआ है। तो इसको बेसिकली हमें इनेबल को फॉल्स करना होगा। तो अगर हम ये हेडर बार के इनेबल को फॉल्स कर देंगे, इसको यस की जगह नो कर देंगे और सेव कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये हेडर बार ऊपर से गायब हो गई जहाँ पे मेरे पेज का नाम लिखा हुआ था। और अगर जो है ये मैं नेविगेशन बार को भी इनेबल को यहाँ से सेलेक्ट करके और नो कर दूंगा और सेव कर लूँगा, तो आप देखेंगे कि ये नीचे की जो नेविगेशन बार थी ये भी गायब हो गई है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आप इन दोनों चीज़ों को अगर आप नहीं चाह रहे कि आपके ऐप में नज़र आए, क्योंकि आप इस नॉर्मली ऐप में नहीं नज़र आ रही होती हैं जो हमारी मोबाइल ऐप्स होती हैं, तो आप इस तरीके से जो है इन दोनों चीज़ों को हाइड कर सकते हैं अपने पास।